अबे इस टाई को ऐसे कर ले। नेल्स दिखा। अबे पेट अंदर कर। नेल्स दिखा। भाई ये काम करते हैं, भाग चलते हैं। अबे कहाँ भागेगा? अरे सर कहीं नहीं भाग रहा, आपके पास आ रहा था भाग के। ये लो सर चेक करो। इतने लंबे लंबे नेल्स पे नेल पॉलिश लगाया क्या? ने काट भी लिया कर। वो घर की नेल कटर हो गई ना सर, इसलिए नहीं काट पाया। इतने लंबे लंबे दांत ले रहा, इनसे दांतों से काट लिया कर। मेरे से बड़े आपके लग रहे हैं, आप काट दो। बकवास कर रहा हूँ तेरी कमीना। और आ तेरी स्कूल पेंट कहाँ पे है? पेंट घर पे। घर पे अंडे दे रही हो? अरे सर वो मम्मी वीरवार को कपड़े नहीं धोती ना, इसलिए वो गंदी थी, इसलिए मैं पहन के नहीं आया। और हाँ तेरे स्कूल शूज कहाँ पे है? शूज ये अच्छे लग रहे थे इसलिए पहन लिए। बढ़ाऊं तेरे को मॉडल। अबे कबूतर बाज क्या कर रहा है? नेल चेक करवा। अरे कटे हुए सर सारे। इन नखनों को वहां तक खा जा। और हाँ ये बाल बढ़ाऊं तेरे को हनी सिंह। हाँ बढ़ाऊं तेरे को हनी सिंह। सर बाहर आ जाएंगे। बाहर कैसे आ जाएंगे? इनको ना ऐसे कर ले ऐसे। सर बैठ गए बाल बैठ गए। और तेरी ये स्कूल की पेंट कहाँ पे है? अरे पेंट से घर पे अंडे, मेरा मतलब सो घर पे रह गई। और स्कूल शूज? अरे सर आप पेंट पहनी है तो मैचिंग शूज तो होने चाहिए ना। अबे बारात में जा रहा है क्या? इन बालों को कटवा लिए नहीं तो तेरे को बना दूंगा हनी सिंह में। आई बात समझ में? लव इट नेल्स दिखाओ। नाइस नेल्स हैं। थैंक यू। भाई तू कहे तो पेल दू इसको। अबे छोड़ ना भाई सर अपने यार। अरे देख ले पेल दूंगा आज तो। अरे मैं कह रहा हूँ सर हमारे। अच्छा ठीक है सर इसलिए छोड़ रहा हूँ। हाँ। बेटा मेहंदी किसने लगाई? जरूर मम्मी ने लगाई होगी। नहीं नहीं ये तो मैंने ही लगाई है। शांत 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 यंग मैन। कंट्रोल कंट्रोल। कम डाउन। बेटा नाइस शूज, ये स्पोर्ट्स शूज बहुत अच्छे हैं। सर पुमा के। किसकी माँ के हैं? माँ नहीं सर, पुमा ब्रांड है। जो भी है। नाइस। बेटा नेल्स थोड़े और लंबे करो। और हाँ स्कूल में कभी भी स्कूल के शूज मत डाल के आया करो। अच्छे लगते हो ऐसे ही। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी मैडम। हाँ तो बच्चों आप सबके लिए खुशखबरी है। क्या सर? कल आप सब स्कूल ट्रिप पे जा रहे हो। अरे भाई ट्रिप। अरे भाई मजा आएगा ना? ठीक है भाई मजा आएगा यार, हम दोनों चलेंगे। तो बच्चों कल हमारी स्कूल की ट्रिप स्काई जंपर पे जा रही है, तो जिस बच्चे को जाना है ना 1000-1000 रुपए प्लस 200 रुपए रिफ्रेशमेंट के मैडम के पास जमा करवा दें। 1000 रुपए? 200 रुपए? अरे भाई ये 1000-1000 रुपए कहाँ से लेके आएंगे हम? भाई पापा तो कभी नहीं देंगे। अरे यार अब क्या करें? भाई एक काम करेंगे, तू मम्मी को मना लियो, मैं पापा को मना लूंगा। अरे हाँ भाई सही कह रहा है, मम्मी को मनाऊंगा पापा को तू नहीं। भाई तो बोला मैंने। एक ही बात है कोई नहीं भाई। हाँ और अब है ना ट्रिप पे पक्का चलेंगे। और हाँ एक बात और, लड़के अलग वैन में लड़कियाँ अलग वैन में जाएंगी। अरे भाई क्या कह रहे? 1200-1200 रुपए ले रहे और लड़कियों को अलग भेज रहे। और क्या ऐसा मजा नहीं आएगा यार, बोलना कुछ। क्या करूं? जुगाड़ लगाना कुछ तो कर यार। अच्छा कुछ जुगाड़ लगाता हूं। देखो सर ऐसे हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, हमारे साथ ना इंसाफी हो रही है। हमें पता है आप हमें उस खटारा वैन में भेजोगे और इन लड़कियों को अच्छी वैन में भेजोगे, हम नहीं जाएंगे ऐसे। क्यों भाई? अच्छा बेटा तेरे को वैन से दिक्कत है? तो बेटा एक काम करते हैं, लड़के नई वैन में चले जाएंगे, लड़कियां पुरानी वैन में चली जाएंगी। हैप्पी? कैसा जोड़ लगा यार? अरे भाई अगर ये उल्टा पड़ गया तो मैं क्या करूँ अब? भाई अब इस मोटी बुद्धि को कैसे समझाए कि वैन का चक्कर नहीं है लड़की का चक्कर है। अरे समझाओ ना इसको। अभी समझाता हूँ। देखो सर ऐसे भी नहीं जाएंगे हम, क्योंकि इसमें लड़कियों के साथ ना इंसाफी होगी, वो खटारा वैन में क्यों जाएंगी? हम ऐसे भी नहीं जाएंगे। क्यों भाई? चलो बच्चों चलो कंबाइन चले जाना। हैप्पी? ये हुई ना बात। आ गया ना स्वाद, अब तो पक्का चलेंगे। चलो चलो ठीक है, जिस जिसको ट्रिप पे जाना है सारे मैडम के पास नाम लिखवा दे 1200 रुपए के साथ। सुन भाई। हाँ भाई।
हम आज नाम नहीं लिखवाएंगे, हम कल लिखवाएंगे। ऐसा क्यों भाई? क्या पता यार, पैसे ना दे पापा। अरे आप भी सही कह रहे हैं, पर चिंता न कर, कोई ना कोई जुगाड़ लगा के पैसे हम लेके आएंगे और ट्रिप पे तो जरूर जाएंगे। फिर ठीक है, दोनों चलेंगे। यस। अरे भाई मैं एक बात सोच रहा हूँ तब से। क्या? ये स्कूल वाले हमसे ज्यादा पैसे ले रहे हैं, मेरे को लग रहा है ऐसा। अबे लग नहीं रहा, पैसे ज्यादा ले रहे हैं। मैंने ऑनलाइन चेक करा था, टिकट तो सिर्फ 800 रुपए की है और ये रे 1200 रुपए रहे हैं। तो ये इतने ज्यादा पैसे क्यों ले रहे हैं? अबे सिंपल है यार, स्कूल वाले थोड़े से पैसे कमा रहे हैं और क्या। अरे चल कोई नहीं, चलेंगे ना, लड़कियां तो जा रही है ना। अरे जब भी तो मैं जा रहा हूँ, तभी तो मैं 200 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। और एक बात सुन ध्यान से। क्या? पापा से पैसे लेने के लिए किसी भी हद तक गिर जाएंगे, ठीक है? किसी भी हद तक? हाँ किसी भी हद तक। चल ठीक है फिर। चल फिर। चलो। अबे यहाँ नहीं गिरना, पापा के सामने गिरना है, किसी भी हद तक। चलो चल। अरे भाई। हाँ भाई। एक बार मम्मी पापा से जूत खाने से पहले ना, मेरा मतलब पैसे मांगने से पहले, एक बार हमारी खजाने की पोटली चेक कर लेते हैं ना। हमारे खजाने वाली पोटली? हाँ। अबे कौन सी पोटली? ये वाली। अबे भाई मेरी बोले क्या ये? अबे तेरा मेरा क्या है, हम दोनों का है जो है। और ये बता, तेरे को ट्रिप पे जाना है या नहीं जाना? हाँ भाई जाना तो है। हाँ तो फिर चेक कर लूँ? फोड़ना पड़ेगा। फोड़ना तो पड़ेगा ही। जाना है कि नहीं जाना ट्रिप पे, तेरे को ये बता दे। जाना है, मेरे को जाना है। जाना ना? हाँ। बस फिर दूर हो। देख जितने पैसे इसमें निकले ठीक है, बाकी जो बचेंगे मम्मी पापा से मांग लेंगे। हाँ ये सही है ना। चलो फिर रेडी, 1 2 3। अबे ये तेरा गुल्लक था? अबे इसमें तो फूटी कौड़ी भी नहीं निकली। भाई मैं गुल्लक लाया था ना, मतलब शायद मैं इसने पैसे डालना भूल गया, मतलब खरीदा था मैंने गुल्लक ये, पर पैसे पता नहीं कहाँ गए इसके। अबे ओ महाराज, अब सारे के सारे पैसे मम्मी पापा से मांगने पड़ेंगे। अबे एक काम कर, इकलौता रास्ता बचाए, जा मम्मी से पैसे मांग, मैं पापा से मांगता हूँ। पर भाई मम्मी को बोलूँ क्या मैं? अबे ओ भाई जो मर्जी बोल, बस पैसे लेके आ तू, ठीक है? रामबाण। अच्छा वो वाला? वो वाला। अरे मम्मी सुनो, आपको पता है मेरा ना एक दोस्त है रोहित नाम का, उसकी मम्मी ना उसको कभी 500 रुपए देती है, कभी 1000 रुपए देती है, और एक बार तो उसकी मम्मी ने उसको 5000 रुपए दिए थे, और वो रोज स्कूल में आके मेरे को चढ़ाता है कि तेरी मम्मी तेरे को पैसे नहीं देती। अब मैं क्या करूं, मैं कुछ कह ही नहीं सकता उसको। पर वो तुझे चढ़ाता है क्यों है? कि आप मेरे को पैसे नहीं देते इसलिए चढ़ाता है। ऐसी बात है? एक काम कर बेटा, तुझे कितने चाहिए ये बता मेरे को। मम्मी ज्यादा नहीं चाहिए मेरे को ना 1000। हाँ मम्मी मेरे को ना 1200 रुपए चाहिए बस, ज्यादा नहीं चाहिए। बस 1200? बस 1200। अरे बेटा क्यों परेशान हो रहता है, ले 2000 का नोट पकड़ और उसको बोल दिया मेरी मम्मी ने दी है, मेरी मम्मी ने, बोल दियो। क्या बोलेगा? कि मेरी मम्मी ने मेरे को 2000 रुपए दिए। अरे थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच। मौज ले, थैंक यू। पापा वो मेरा दोस्त नहीं है वो मोहित? हाँ हाँ। उसके पापा ना उसको कभी 500 रुपए दे देते हैं, कभी 1000 रुपए दे देते हैं, और कभी कभी तो 2000 की गुलाबी पत्ती दे देते हैं, गुलाबी। और वो मेरे को भी स्कूल में आके चिढ़ाता है। वो मेरे बेटे को चिढ़ाता है? क्यों? क्योंकि आप मेरे को कभी पैसे नहीं देते इसलिए वो चिढ़ाता है, और आपको अच्छा लगेगा कि आपके बेटे को कोई चिढ़ाए। अच्छा बता बेटा तेरे को कितने पैसे चाहिए मेरे को? 1000 नहीं 200, वो भी तो है। हाँ पूरे 1200 रुपए चाहिए पापा। बस 1200 रुपए? हाँ पापा बस 1200 रुपए। एक मिनट रुक, ये ले, ये तू पूरे 2000 रुपए रख और उसको बता दियो कि मेरे पापा ने मेरे को खर्चने के लिए 2000 रुपए दिए हैं, ठीक है? ठीक है पापा। हाँ
उस मोहित के बच्चे को अभी जाके बताऊंगा कि मेरे पापा ने दिए मुझे यार गुलाबी पत्ती, मेरे पापा भी देते हैं मेरे को पैसे। ठीक है पापा, लव यू सो मच, लव यू। दोनों के दे दिए भाई। अब मैं नाम लिखता हूँ मैं। मेरा भी लिख दे। अबे कहाँ जा रहा है, चल पहले मैडम जाएंगी। आओ मैडम। आराम से जाना। मैं भी आ रहा हूँ। अरे लड़का लड़की एक साथ कैसे बैठे हैं? लड़के एक तरफ, लड़की एक तरफ है। अबे इस मोटी बुद्धि को क्या दिक्कत है? पता नहीं इसको क्या दिक्कत है। अरे कुछ करना यार, कुछ फिर से जुगाड़ कर दूं। अरे हाँ यार, कहने की बात है। अच्छा चल ठीक है, फिर मैडम भी लड़कियों की साइड ही बैठ जाएगी। सही कह रहा हूँ ना भाई? अरे बेटा मैं तो मजाक कर रहा था, इंजॉय करो। मेरे पास तो पॉपकॉर्न है, मम्मी ने खाना पैक करके दिया था, वही खा लेता हूँ। ये मेरे पॉपकॉर्न किसने खा लिए? तुमने मेरे पॉपकॉर्न कैसे खाए? अबे ऐसे लिए, ऐसे निकाले और ऐसे खा गए। सिंपल। बेटा आज मेरी मम्मी ने मेरे को चूरमा निकलाया, तुम्हारे साथ मैं कल बात करूंगा। अबे साढ़े एक रैप्टे में अंडे का चला जाता। चल 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 बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। बोलो राम राम राम। अबे यार मासे गाओ, मासे मासे मासे। मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, पनघट में मेरे पकड़े है भैया, तंग मुझे करता है संग मेरे लड़ता है। राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से। सुना से गाओ। समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, जुल्मी मेरी जान मेरे कदमों के नीचे आ गई। सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। चकलोरम गंडो वंडो लकरकटम अक्को टक्को इडिगिडिगिडिगो इडिपाय विडिपाय। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। बम 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 बोले बम चिक बोले। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। बम बम बोले मस्ती में डोले। ऊपर वाला क्या कोई कलाकार है, हो जा बिंदास बोल रे। मैं भी बम 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 सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग न बिखराओ। बम बम चिक बम बम चिक बम बम चिक बम बम चिक बम बम चिक। चलो चलो नए ख्वाब बुन ले। बम बम बोले मस्ती में डोले।
हाँ तो फिर होता है फैसला। अबे कैसा फैसला? तेरे में जाता था मैं या मेरे में? अबे ये भी कहने की बात है, मेरे में जा रहा था मैं। हाँ तो देख लेंगे आज, हो जाए फिर चैलेंज। अबे कैसा चैलेंज? वो देख, वो गंजे अंकल को। अबे गंजे अंकल को नहीं, उससे आगे देख, वाइप आउट गेम। अबे इसमें करना क्या होता है? पर देख, इसमें ये जो नीचे वाला डंडा है ना, इसके ऊपर से कूदना है, और जो ऊपर वाला डंडा ना उसके नीचे से निकलना है। वैसे तेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी नीचे से निकलने की। क्यों? छोटा सा तो है तू। अच्छा फिर टीम बांट लेते हैं, ये आधा हिस्सा तेरा और ये आधा हिस्सा मेरा। क्या टीम बराबर बटेगी? मेरे को इतने बेकार प्लेयर दे रहा है और खुद को इतने बढ़िया बढ़िया प्लेयर, मैं ऐसा नहीं चलेगा। तू एक काम कर, उनमें से एक दो को ले ले, किसी को ले ले। मैं यश को लूंगा, यश को। यश आजा। अबे हाथ मिलाने को नहीं कहा, उधर बैठ। और बता दूसरा। अरे चिद्दी आएगा, चिद्दी ये टूंडा काम आएगा आज। सही है, ले जा इस मोटे को, वैसे भी किसी काम का नहीं। तो रेडी हो? ऑलवेज रेडी। तो गाइस देखते हैं किसकी टीम जीतती है और किसकी टीम हारती है। तो इसमें देखने वाली कौन सी बात है? Of course मेरी टीम जीतेगी, because I am the king। बच्चे चला जा। अरे तू जा ना। ये हो गया गेम ओवर। सो गाइस ये तो 5 मिनट भी नहीं टिक पाए, हम तो इनकी दुनिया ही लाते गए। आजा गाइस, सिर्फ एक मिनट बचा है और ये सुमित का बच्चा अभी तक आउट नहीं हुआ। अरे यार क्या करे। अरे आउट हो गया। अरे मैच तो ड्रॉ हो गया, मैच ड्रॉ हो गया। अरे वाह लोकेश, आज तो तेरी 500 उंगलियां घी में हैं। मैडम के साथ डेट पे भी आ गया, एक पैसा भी नहीं लगा, सारे पैसे बच्चों के लगे हैं। आज तो दबके खाऊंगा। अरे सर देखिए ना, बच्चे शरारत कर रहे हैं। अरे मैडम बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो क्या हम करेंगे? एक काम करते हैं, कुछ खाने का मंगाते हैं। ठीक है सर। क्या खाओगे? जो आप मंगवाओगे सर। बर्गर मंगा दूं? हाँ बिल्कुल। और कोल्ड ड्रिंक वगैरह? ठंडी मंगवाना। अरे मैडम आप हॉट कोल्ड ड्रिंक ठंडी, ओह वाओ व्हाट अ कॉम्बिनेशन। अरे सर कुछ भी। भैया दो बर्गर लेके आना और हाँ एक कोल्ड ड्रिंक लेके आना, दो स्ट्रॉ डाल के। अरे भाई ये सीढ़ियों वाला कौन सा गेम है, ऊंचा नीचा? अबे इससे कूद के ऊपर ही चढ़ना है बस। बस बस इतना सिंपल। ये मेरी टीम के लिए बस, और तुम्हारी टीम के लिए। अबे चुप कर बे, इसको तो मेरा ये टूंडा प्लेयर कर लेगा। चिद्दी चल भेज, चिद्दी को भेज तू। चलो टूंडे करके दिखा। ये ले तेरा चिद्दी। अबे टुंडे तू सच में टुंडा ही है।
अब तू इधर देख मेरे धुरंधर की तरफ जा यस। अभी देखियो कैसे चढ़ेगा। ये तो इससे भी ज्यादा गया गुजरा निकला। पिस्सू मेरे को दिखाई मत दे जाइए दोबारा। अब देख मेरे शैतान को। चल शैतान कर दे चटाई। कोई नहीं अब तू नारी शक्ति देखियो यहाँ। चल जा रिंकी कर पाएगी ये। देखा अभी तेरे से अच्छी तो ये निकली। अब होगी बेटा कांटे की टक्कर। मैं रुक जा अभी अभी देखते हैं कौन जीतता है और कौन हारता है। अभी जाए ना तू जा रुक जा। अबे इतनी अकड़ क्या दिखा रहा है अभी मैं बाकी हूँ। Yes! Yeah! भाई ये सारे चढ़ गए हम दोनों फिसलते हैं क्या। सही कह रहा यार तू पिस्सू है मैं भी पिस्सू। ये तो हमारे बस की नहीं है चलो एक गेम खेलते हैं। कौन सी। ओए मां आजा मिल सिल साल रेस लगा लो। अबे ये कहां भागे पता नहीं भाई चल ना मैं दूसरी गेम खेलते हैं। अरे चलो फिर चल। अबे सबकी फटती है मैं जाऊंगा सलमान खान की तरह। अबे खूब एंजॉय कराना। हाँ सर बिल्कुल। अरे सारे बच्चे आ गए ना। हाँ सर। सर काउंट कर लो सारे हैं या नहीं है। अरे तीन बच्चे तो गायब लग रहे मेरे को। सर डिक्रो नहीं आया। हाँ सर सुमित भी नहीं है। और हाँ सर राहुल भी नहीं आया। ये निकम्मे हर बार यही करते हैं। अबे इसको मत छू। अरे मैडम ये नौकरी छुड़वाएंगे हमारी। सर मैं आपको बोल रही थी कि बच्चे शरारतें कर रहे हैं ध्यान रखो आपने ध्यान नहीं रखा। अरे मैडम आपके साथ बैठा था मैं तो। सर वो देखो पीछे राहुल भी आ गया। अबे ये कौन है? ये की ये कौन है? ये तो बिल्कुल खत्म हो गया। चल थोड़ा तो कॉन्फिडेंस आया। सुकून मिल रहा तो चला चलते आगे। चल घर जाना है घर जाना है। मेरे तो एल लग गए। मेरे तो एल